ये मेरे पास तकरीबन 3 किलो प्याज हैं, ये मैंने पतले पतले काट लिए हैं और इनको इस तरह से आप मसल लें। ये बिल्कुल ड्राई हैं, इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इनको आप इस तरह से मसल लें ताकि ये जब अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे तो ये जल्दी रेड हो जाएंगे। ये थोड़ा सा एहतियात का काम है प्याज तलना। मैं अक्सर प्याज तल के इसको फिर जब लाल हो जाता है फिर बॉटल्स में भर के रख देती हूँ, तो आराम से 1-2 महीने हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जब तक आपका चल जाए आप उसको यूज़ कर लें। सालन बनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये मैंने प्याज को अलग अलग करके रख लिया और ये मैंने एक बड़े पतीले में तेल चढ़ा के रख दिया है। अभी इसमें हम कुछ देर में ये प्याज इसमें डाल देंगे। और अब देखिए ये प्याज जो है इन्हें अब मैं इसमें ट्रांसपेरेंट होने तक पहले हिलाऊंगी, उसके बाद फिर ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखिए प्याज जो हैं ये हमने भून लिए हैं और ये बस तैयार ही हैं, कुछ देर में ये रेड हो जाएंगे। अब हम इन्हें कंटिन्यूसली हिलाएंगे। और ये देखिए ये प्याज जो है बिल्कुल रेड हो गए। ये एक ट्रे पे हमने सफ़ेद बिछा लिया है एक पेज, ताकि अगर जो भी इस पे ये क्रिस्पी भी हो जाता है और जो तेल होता है वो ये सारा सोक कर लेगा। इसमें हवा लगना बहुत ज़रूरी है, जितना इसमें हवा लगेगी उतना ज़्यादा ये क्रिस्पी हो जाएगा प्याज़।